हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो हमने उर्दुल गाजी के शिकवा जवाब शिकवा और शिकवा पे भी शिकवा पे रिएक्शन दिया है, उसके बाद हमें ये रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट है आई है कि वैसे ही एक रिलेटेड वीडियो है, जैसे हमने उस पर रिएक्शन करा है जवाब वैसे ही एक शिकवा वीडियो बनाई पे। है अल्लामा इकबाल जी की ही। ये मतलब पोइट्री और वीडियो कह सकते हैं हम, है ना। तो द द राइज राइज ऑफ ऑफ, इस्लाम है ना, हाँ जी, इन राइज ऑफ इस्लाम द ओटमन हीरोज, द हीरोज़। ओटोमैन हीरोज। अब हमें नहीं पता ओटोमैन हीरोज कौन है, अर्तुरुल गाजी के ही आई थिंक उनकी सीरीज हो में से सकते कुछ हैं। होएगा उनसे, सो हमें नहीं पता। और एडेक्स जोन यूट्यूब चैनल है, उसके चैनल पे ही वीडियो आई है, पहले भी उसी चैनल पे थी। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर और सकते जैसे हो। हम हर बार बोलते हैं वैसे इस बार फिर से बोल रहे हैं कि अर्तुरुल गाजी जो हमने रिएक्शन किया है वो दो तीन चार बार ब्लॉक हो चुकी है, पांच लगातार बार अपलोड कर ब्लॉक हो दिया, रही हर एक है। कोशिश करके देखी मैंने, हर एक मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी ठीक है, फिर स्क्रीन को एंड से कट किया, मतलब जैसे इतनी बड़ी स्क्रीन है वीडियो की उसको अधी कट कर दिया, तब भी नहीं हो पा रही। अब इसमें क्या करें मेरे को समझ नहीं आ रहा, वॉइस का मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा साउंड इफेक्ट यूज करो, साउंड इफेक्ट समझे हाँ नहीं हम कि कैसे साउंड इफेक्ट है ना। वो तो बताना फिलहाल ये हमें कि देखते हैं, क्या। फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक देखना, द जो लास्ट वीडियो थी उस पर भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, जो जवाब है शिकवा है। सो उम्मीद तो ये इस पर रहेगा, फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें। अमल से जिंदगी बनती जन्नत जन्नत। तुलू ए इस्लाम, तुलू ए इस्लाम। समझ सकते नहीं इस राज को सीना उफारा भी, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, उनकी तला आवाज बहुत तन्हाए कमाल की है ना। गई से है गौहर की सहरा भी, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है, शिकोह तुर्कमानी जहन हिंदी नुतक आराबी, नजर आती है जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी, जमीर लाला में रोशन चराग़े आरजू कर दे, चमन के जर्रे जर्रे को शहीद जस्तजू कर दे, सरिश्ते चश्म मुस्लिम में है नैसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गौहर पैदा, किताब मिल्लत बैजा की फिर शीराजा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, क्या बात है, मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, कबूतर के तने नाज़ुक शाही का जिगर पैदा, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोजो साजे जिंदगी कह दे, अजल तेरा अबद तेरा खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदा तू है हिना बंदे उरू से लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी नस्बत बराहिमी है मेहमारे जहां तू है, तेरी फितरत अमी है मुमकिनात जिंदगानी की, जहां के जौहर मुजमर का गोया इम्तिहान तू है, जहां ने आबो गिल से आलम जावीद की खातिर नबुव्वत साथ जिसको ले गई वो अरमुगा तू है, ये नुक्ता सरगुजश्ते मिल्लत बैजा से है पैदा, कि अक्वामे ज़मीन एशिया का पासबां तू है, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, यही मकसूद फितरत है यही रमज़े मुसलमानी, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, विलायत पादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी
ये सब क्या है? फकत एक नुक्ता ईमा की तफसीर है। और निकले सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले, हुए मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले, उबारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो इक्सीर गर निकले, हमारा नर्म रव कासिद पयाम जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल छीन, यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, उखुव्वत की जहांगीरी मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी, मयाने शाख सारा सोहबत मुर्ग चमन कब तक, तेरे बाजू में है परवाज शाही ने कोहस्तानी, गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, बयाबा की शब तारीख में कंदील रहबानी, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर फख्र बूजर सिद्क सलमानी, हुए एहरार मिल्लत ज्यादा पैमा किस तजम्मुल से, तमाशाई शगाफे दर से हैं सदियों के जिंदानी, जमीन से नूरियां ने आसमां परवाज कहते थे, ये खाकी जिंदतर पाइंदतर ताबिंदतर निकले, जहां में अहल ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है, खुदी का राजदां हो जा खुदा का तर्जुमा हो जा, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, उखुव्वत का बयां हो जा मोहब्बत की जबां हो जा, ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तूरानी, तू ए शर्मिंदा साहिल उछल कर बेकरां हो जा, गुबार आलूदा रंगो नसब हैं बालों पर तेरे, तू है मुर्गे हरम उड़ने से पहले पर फशां हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर जिंदगानी है, निकल कर हल्के शाम व सहर से जाविदां हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो परनियां हो जा, हरी है नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है, वो हिकमत नाज था जिस पर खिरदमंदान मगरिब को, हवस के पंजे खूनी में तेरे कारजारी है, तदब्बुर की फसूकारी से मोहकम हो नहीं सकता, जहां में जिस तमद्दुन की बिना सरमायादारी है, खुरोश आमोज बुलबुल हो गिरा गुंचे की वाह कर दे, कि तू इस गुलसिता के वास्ते बादे बहारी है, बियाओ पैदा खरीदा रस्त जौने नौतवाने रो, पस अस मुद्दत गुजार उफ्ताद बरमाओ कारवाने रो, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी होगी, फिर उठी एशिया के दिल से चिंगारी मोहब्बत की, जमीन जौलां गए अतलस कबाया ने ततारी है, क्या बात है ना। हमने तो तीन चीजें देखी ऐसी, एक जवाब है शिकवा, एक शिकवा और एक ये देखी है, और लामा अकबाल की ही देखी है सारी, क्योंकि और जो लास्ट में ये ऐसी लाइंस कह जाते हैं कि बंदे को मतलब सुनने में और उस पे ना बहुत मजा आता है, मतलब बिल्कुल सच्ची की लाइंस वो कहते हैं,
और ये ऐसी चीज बनाई कि बंदा अट्रैक्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इनके और होंगे ऐसे, और होंगे हम देखेंगे, हमें जैसी रिक्वेस्ट आती रहेगी। और बहुत लोग कहते हैं कि हम उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते, हम मैसेजेस पढ़ते हैं, हर एक के मैसेज पढ़ते हैं, रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, फिर मैसेज हर एक के पढ़ते हैं, तभी तो हमें इस चीज का पता लगा। तो ये रिएक्शन करती है। अब हम और देखेंगे जो भी हमारे फोन पे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आई है, और कमेंट्स पढ़ेंगे सारे के सारे। और अर्तुल का एक डाउट हमें क्लियर हो गया, हमने देखा था एक फाइटिंग सीन में अर्तुल को मार दिया था ना। हाँ। पर अर्तुल का हमें ये बताया गया कमेंट्स में कि वो अपनी किसी बीमारी की वजह से मरे थे, है ना। और मतलब बीमारी की वजह से हुए थे वो, और क्या बोलते मतलब वो जो सीन था उसमें सिर्फ वो जख्मी हुए थे, है ना। तो ये तो मूवी देख के पता लगेगा, और जो बेस्ट सीन हो गया अब हम धीरे धीरे निकालते रहेंगे, क्योंकि वो भी हम लोग हो जाए, मेरे को तो यही है ना, क्योंकि इतनी वीडियो ब्लॉग हो रही था, वो भी ब्लॉग होने में कोई वो बड़ी बात नहीं है, पर कोशिश करेंगे बना के देख लेंगे, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत ही जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर दिल को तो सुकून मिलेगा ना कि आप सभी ने कहा और हमने वो चीज़ कर दिया ना। तो बाकी ये कि वीडियो को प्यार बनाए रखे, रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम होता जा रहा है, मुझे नहीं पता था क्यों। बाकी फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।